ऑप्टिकल फाइबर बिछा करके रखा है जिसके थ्रू हम लोग जो कुछ भी बात करते हैं उसको ट्रांसमिट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह। तो जैसे मान लो कि ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, बहुत बड़ा होता है, ये हंड्रेड थाउजेंड्स लाख्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में ये बिछा हुआ है। तो जैसे ही कोई इसके अंदर साउंड एक बार इन किया तो फिर ये क्या करता है, यहां पर ये रिफ्लेक्ट करने लगता है इस तरीके से। हम लोग ऑप्टिकल फाइबर को एक बार फिर से पढ़ेंगे, आगे तो बस हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ-कहाँ एप्लीकेशन है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, बहुत बड़ा फाइबर होता है जिसके अंदर लाइट, एक बार इन किया लाइट या कोई भी सिग्नल, तो ये कई बार ये यहाँ पर क्या करता है TIR, यहाँ पर क्या करता है TIR, तो इस तरीके से ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते हुए एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट हो जाता है। और आज के डेट में जो सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर का नेटवर्क बिछा रखा है अपने इंडिया में वो रिलायंस है, रिलायंस जियो, जो आप लोग आज के डेट में इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो रिलायंस जियो ने इंडिया में सबसे बड़े स्तर पे ऑप्टिकल फाइबर बिछा रखा है, जिस कारण से वो आज इतना सस्ता और इतना हाई स्पीड इंटरनेट या कॉलिंग का फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड करवा पा रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहां पर है, तो टेलीकम्युनिकेशन में है। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो TIR पे काम करता है दोस्तों। तो दो एप्लीकेशन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, थर्ड है मिराज। तो मिराज क्या है, ये एक तरीके का इल्यूजन है जो हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है लूमिंग, ये भी एक तरीके का इल्यूजन है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं, इन एप्लीकेशंस के बारे में भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, बट आज के लिए इतना ही कि TIR का एप्लीकेशन क्या है, तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड में है, ऑप्टिकल फाइबर में है, मिराज में है और लूमिंग में है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा आज का डिस्कशन था, आज का टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।